सभी जन आंखें बंद कर लीजिए, बहुत ही कंफर्टेबल होके बैठ जाइए। कंप्लीट फोकस ऑन योर ब्रेथ, ध्यान सांसों पर। कुछ लंबी और गहरी सांसें लीजिए। स्वयं को आज के सत्र के लिए प्रिपेयर कीजिए। कंप्लीटली अलाइन हो जाइए खुद के साथ और भीतर जाती सांस आपको स्वयं के साथ अलाइन कर रही है, जोड़ रही है। आपके भीतर के ब्रह्मांड के साथ आप जुड़ रहे हैं, जिसमें सारा ज्ञान, सारी नॉलेज, सारे एक्सपीरियंसेस, सारी लर्निंग्स ऑलरेडी हैं। आज अपने भीतर की उस फाइल को टैप कीजिए जो आपके लिए, आपकी सोल के लिए, आपकी अपलिफ्टमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आज के लिए। केवल भाव डालिए। मैं अपने भीतर के ब्रह्मांड से पूरी तरह से जुड़ चुका हूं। और अपने भीतर के उस फाइल को बाहर निकालता हूँ जो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है इस समय, समझना। स्वयं के भीतर झांकते रहिए। आज के टॉपिक के लिए वो सारा ज्ञान उस फोल्डर में है। और आज आप इस पूरे सेशन में उसे वापस से ग्रहण करेंगे, रिवाइज करेंगे। हम पूरी तरह से तैयार हैं, सेंटर्ड हैं, अपने भीतर की डिवाइन एनर्जी को आवाहन दीजिए, साईं को आवाहन दीजिए, या जिसमें भी आप मानते हैं। धन्यवाद कीजिए उनका आज के सत्र के लिए। आज के ज्ञान के लिए अपने हाथों को खुला रखिए। जैसे प्रसाद लेते हैं उसी प्रकार इस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए अपने हाथों को खुला रखिए। और महसूस कीजिए वो पूरी फाइल आपके हाथ में है।
बट हमारे थ्रू ये पूरा ज्ञान हम तक पहुंच रहा है क्लियरेंस के लिए, सोल की ग्रोथ के लिए। हम धन्यवाद करते हैं और धीरे धीरे आंखों को खोलते हैं। वेलकम बैक एवरीवन, नमस्ते सभी को एक बार पुनः। आज के सत्र में आप सबका स्वागत है। आज का जो सेशन है हमारा वो है सोल फीडिंग, जिसका नाम है सोल फीडिंग। तो सोल फीडिंग से हम क्या समझते हैं, इस टॉपिक को सर ने हमें क्यों दिया, उसका रीजन क्या है? सोल फीडिंग यानी कि हमारी सोल की भूख क्या है, उसकी डाइट क्या है, वो क्या लेना चाहती है और हम उसको क्या दे रहे हैं, आज हमें ये समझना है। सोल फीडिंग, हम सब जानते हैं कि सोल की डाइट कंपैशन है, प्यार है, प्यार की भूख है, वो केवल और केवल लर्निंग और एक्सपीरियंसेस ले रही है, वो उसकी डाइट है। तो लर्निंग और एक्सपीरियंसेस जो हम उसको दे रहे हैं, क्या हम उस लर्निंग और एक्सपीरियंसेस को जस्टिस दे रहे हैं, क्या हम उसे उस प्रकार से डील कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, जो भी मूवमेंट्स हमारी लाइफ में हम बिता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी के साथ हमारा कोई भी रिलेशन हो, चाहे हमारे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, मदर फादर का रिलेशन है, या डॉटर मदर का रिलेशन है, या क्लाइंट और एक बॉस का रिलेशन है, या बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशन है, जो भी रिलेशन हमारे हम निभा रहे हैं, जो भी फाइल्स और फोल्डर्स हमारी लाइफ में आए हैं, क्या हम उसमें 100% जस्टिस कर रहे हैं उसके साथ? वो 100% जस्टिस क्या है? वो 100% जस्टिस यही है कि क्या हमें जो भी एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, चाहे वो गुस्से के हैं, हेट्रेड के हैं, नफरत के हैं, एंगर के हैं, किसी भी कनेक्टेड सोल के साथ, किसी भी रिलेशनशिप में, क्या हम उसको कंपैशनेटली डील कर रहे हैं या हील कर रहे हैं? क्या उन मूवमेंट्स को हमने 100% जिया है, या हमने हमेशा कंप्लेंट्स की है? तो जो सोल की फीडिंग है हमारी, वो कंप्लेंट्स की नहीं है, और हमने अपनी सोल को बहुत सारी कंप्लेंट्स के साथ भरा हुआ है। हमने उन रिलेशनशिप्स को, उन जो फोल्डर्स और फाइल्स हमारी लाइफ में हैं, फोल्डर्स और फाइल्स यहाँ पे तात्पर्य है कि किसी भी सपोज मदर और डॉटर का एक रिलेशनशिप है, उसकी एक फोल्डर रेडी होती है आई क्लाउड में, उस क्लाउड में एक फोल्डर रेडी होता है। उस फोल्डर में आपके सारे पिछले और अगले सारे बही खाता होते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि हम पूरे आई डोंट नो उस वर्ड को क्या बोलते हैं, तो पूरे का पूरा उसके अंदर डिटेल्स होता है। जैसे हमारी पूरी बिलिंग काउंटर में, जैसे हम किसी के साथ बिल करते हैं या कोई चीज खरीदते हैं, तो जैसे बिलिंग काउंटर में एक एक डिटेल आता है कि ये आइटम इतने का है, ये आइटम इतने का है, ये आइटम इतने का, उसी तरह से एक फाइल और फोल्डर तैयार होती है एक रिलेशनशिप की। उस फोल्डर को क्या हम पूरी तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, क्या चेक किया है हमने अपने मोमेंट्स को, इस लाइफ के मोमेंट्स को? आज हम पूरा रिकॉल करेंगे, जो हम मेडिटेशन करने वाले हैं, उन मोमेंट्स को हम रिकॉल करेंगे, उन रिलेशनशिप्स को रिकॉल करेंगे, और उनके साथ जहां पर भी हमने कंप्लेन रही है, उस फोल्डर को हील करेंगे, यानी कि उस रिलेशनशिप को हील करेंगे, वो फाइल को हम हील करेंगे कंपैशन के साथ। और उसी तरह से जहां पर भी, क्योंकि जितने भी हमारे स्पेसिफिकली क्लोज रिलेशनशिप होते हैं, फैमिली के, जो भी हमारे फैमिली लोग हैं, फैमिली के, उनसे हमें ज्यादा कंप्लेन होती है, क्योंकि हमें उनसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, और एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है तो कंप्लेन भी ज्यादा होती है। जितना क्लोज रिलेशनशिप होता है, उतना ही कार्मिक ज्यादा होता है। तो आज हमें उस कार्मिक को अगर न्यूट्रलाइज करना है, उसे डिलीट करना है, उसे हम खत्म करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो आगे नहीं बढ़े, तो उसे कंपैशन देना है हमें। वो कंपैशन हम ऑलरेडी सोल की फीड में, जैसे हमने बात करी है कि सोल की फीड ही कंपैशन है,
वो जस्टिस हम तभी कर पाएंगे सोल के साथ जब हम उस लर्निंग और एक्सपीरियंस को कंपैशन के साथ लेंगे और कोई कार्मा क्रिएट नहीं करेंगे। बट हम क्या कर रहे हैं, उसे एक्सपेक्टेशंस में, ईगो में, बाउंडेशंस में बांध रहे हैं। तो उसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, एक नया अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। तो हमें अकाउंट क्रिएट नहीं करना है, अकाउंट न्यूट्रलाइज करना है। तो जो आज की मेडिटेशन रहेगी वो यही रहेगी, हमने पूरे जहां पर हील नहीं हो सकता वहां पे हमें डील करना पड़ता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम हीलिंग कर रहे हैं, कंटिन्यूसली हीलिंग कर रहे हैं, लेकिन हमें फिर भी सामने से एक एग्रेशन मिल रहा है, सामने से एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है कि आप बोल रहे हैं कि मैं तो हील करते जा रही हूँ, इतना मैं हीलिंग कर रही हूँ उस इंसान के लिए, लेकिन स्टिल मेरा रिलेशनशिप उसके साथ अच्छा नहीं है। कभी कभी मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं शाउट कर देती हूँ, या कभी कभी मैं रिएक्ट कर देती हूँ रिस्पॉन्ड करने की बजाय। तो उस फोल्डर को हमें हील करना है अपने भीतर, अपने आप को हील करके हमें उस फोल्डर को हील करना है, ताकि जो भी कार्मिक क्रिएट हो रहा है उसे होने नहीं देना है हमको। हमें कंपैशनेट रहना है सामने वाला, चाहे एंगर में आए या ईगो में आए या कुछ भी आए, बट हमारा टेस्टिंग टाइम यही होता है कि हमें काम डाउन रहना है, हमें पीस में रहना है, और हमें किसी चीज की हर्ट नहीं होनी चाहिए। जहां पर हमें हर्ट हो रहा है, जहां हमें बुरा लग रहा है किसी चीज के लिए, इट मींस हम कार्मिक क्रिएट कर रहे हैं। तो आज की मेडिटेशन में हम यही करने वाले हैं, राइट? सो लेट्स बिगिन। संदीप जी कुछ कह रहे हैं, मैम इज इट आकाशिक रिकॉर्ड? जी, आकाशिक रिकॉर्ड में 100% आकाशिक रिकॉर्ड में भी हमारे रिकॉर्ड ऑलरेडी है, फाइल्स एंड फोल्डर्स है, जिसमें हमारे पूरे बही खाता, जैसे एग्जैक्टली शुरू से लेके जब सोल पहली बार इस धरती पर आई तब से लेके अब तक के रिकॉर्ड्स हैं उसके अंदर। वो जो आकाशिक रिकॉर्ड्स के अंदर फिक्स्ड है फोल्डर्स, वो फोल्डर्स को हम हील करेंगे। तो हमें मालूम है कि सबसे ज्यादा हम किसके साथ रिएक्ट करते हैं, कौन से रिलेशनशिप्स को हम कंपैशनेटली हील नहीं करते। देखिए, जितने भी बाहर के रिलेशनशिप्स होते हैं, चाहे वो ऑफिस के हैं, बॉस के हैं, तो हम बहुत कामली अंदर ही अंदर चाहे हेट्रिड क्रिएट होती है हमारे, लेकिन हम शाउट नहीं करते, लेकिन उसे भी हमें हील करना। हम कहते हैं कि हमने तो रिएक्ट ही नहीं किया वहां पे, बट अंदर ही अंदर हम अपने हार्ट में उसके लिए रिवेंज क्रिएट करते हैं। हम कहीं ना कहीं वो कोई एम्प्लॉय को प्रमोशन मिलता है तो कहीं ना कहीं वो जेलस एक्टिवेट हो जाता है, समटाइम्स ईगो एक्टिवेट हो जाती है, तो वो कहीं ना कहीं हमारा कार्मिक ही है, उसे ही हमें नहीं लेके जाना है, हमें न्यूट्रलाइज करना है। तो आज सारे फाइल्स फोल्डर्स को आप हील करेंगे। जैसे स्टोर रूम के अंदर, आपके घर में कोई स्टोर रूम है, उसके अंदर हम फाइल्स रख के भूल जाते हैं, उसी तरह हमारे सबकॉन्शियस में, अनकॉन्शियस में वो फाइल्स रखी हुई हैं। आज हमको उनको हील करना है, क्योंकि प्रेजेंट लाइफ में वो प्रॉब्लम्स इसीलिए क्रिएट हुई हैं, वो लोग इसीलिए हमारी लाइफ में आए हैं ताकि वो प्रॉब्लम्स को और एग्रीवेट करें हमारे सामने, और हम रिस्पॉन्ड करें, और हम कर रहे हैं रिएक्ट, और हम रिएक्ट कर रहे हैं तो वो और कार्मा प्लस होता जा रहा है, और हम अपने बर्थ को इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो हम समझते हैं इस बात को, क्योंकि हम स्पिरिचुअलिटी इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम समझते हैं इन बातों को। सो लेट्स हील विद कंपैशन, कि जो भी चीजें हुई हैं और हो रही हैं हमारी लाइफ में, वो सारे अकाउंट्स को आज हम हील करेंगे, सारे फोल्डर्स को, सारी फाइल्स को जो अनकॉन्शियस में है, सबकॉन्शियस में है, जो स्पेशली हमने प्रेजेंट लाइफ में कैरी ऑन की है, उनको हम हील करें। सो लेट्स बिगिन विद द मेडिटेशन। हम एक मिनट का ब्रेक लेंगे, किसी को कुछ वॉशरूम जाना है या जा सकते हैं, पानी पीना है पी सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सभी जन आंखें बंद कर लीजिए। पूरी तरह से स्वयं के साथ जुड़ जाइए।
फोकस कीजिए अपनी थर्ड आई पे, फील कीजिए हर ब्रेथ थर्ड आई तक जा रही है। द डीपर यू टेक द ब्रेथ द डीपर यू गो। बहुत लंबी और गहरी सांसें लीजिए, धीरे धीरे ब्रेथ को स्लो डाउन होने दीजिए। देखिए हर भीग जाती ब्रेथ आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस के साथ आपको कनेक्ट कर रही है। सांसों को धीमा होने दीजिए। हर भीतर जाती सांस आपको आपके पूरे माइंड के साथ कनेक्ट कर रही है। वो सभी प्रेजेंट के लोगों के साथ कनेक्ट कर रही हो जो आपकी लाइफ में आपके बहुत क्लोज है। जिनके साथ आपका सबसे ज्यादा प्रॉब्लम चलता है, जिनसे आप प्यार भी बहुत करते हैं और गुस्सा भी उन्हीं पर बहुत आता है, आज पूरे फोल्डर को हम आवाहन देंगे। मानिए आपके माइंड से, आपके कॉन्शियस माइंड से, आपके सबकॉन्शियस में उनके साथ जो भी प्रॉब्लम्स घटित हुई है इस लाइफ टाइम में, बचपन से लेके अब तक या आपकी यंग एज में, कहां से प्रॉब्लम की शुरुआत हुई है, कहां से आपको उनके साथ गुस्सा आना शुरू हुआ है, उस समय में जाइए। हर भीतर जाती ब्रेथ स्लो होती जा रही है और उन मेमोरीज को टैप कर रही है। देखिए इस पूरे लाइफ टाइम में कहां पर आपने 100% नहीं दिया अपने रिलेशनशिप को, वो कोई भी रिलेशन हो, कहां जस्टिस नहीं किया, उनकी गलती थी, उन्होंने ऐसा किया, ये सब कंप्लेंट्स को आज पूरी तरह से छोड़ दीजिए। केवल और केवल ये फोकस कीजिए कि आपने कहां नहीं 100% दिया, आपने कहां उन्हें ऊंचा बोला, उनसे लड़ाई की, गुस्सा किया,
अपनी ईगो दिखाई, जेलस हुए, इनसिक्योर हुए, कहां पर आपसे गलती हुई उन्हें समझने में। केवल और केवल उस मूमेंट को विटनेस कीजिए और रिक्रिएट कीजिए कंपैशन के साथ, उस पूरे मूमेंट को जहां से इसका शुरुआत हुआ था। जहां आपने उनकी गलतियां देखनी शुरू की थी, इस पूरे मोमेंट को रिक्रिएट कीजिए। स्वयं से कहिए, उस समय हमने रिएक्ट किया, बुरा माना, वो मेरी लोअर कॉन्शियसनेस थी। मैं आवाहन करती हूं आज अपने हायर कॉन्शियसनेस को और अपने आप को पूरी तरह से उस कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ती हूं। अपनी हायर कॉन्शियसनेस से उस लोअर कॉन्शियसनेस को अब देखिए, विटनेस कीजिए उस सिचुएशन को। वो केवल आपकी लर्निंग और एक्सपीरियंसेस थे आपको ग्रो होने के लिए। उसे कंपैशन के साथ आज हम हील करेंगे। इन्वोक कीजिए रेकी, करुणा रेकी के सिंबल्स को, यूनिवर्स की ब्यूटीफुल वाइट डिवाइन लाइट को। आवाहन दीजिए अपने देवी देवताओं को अपने दोनों हाथों को खुला रखिए। उस फाइल को, उस फोल्डर को आपके हाथों में देखिए, उसमें सारा रिकॉर्ड है आपकी प्रेजेंट लाइफ का। धीरे धीरे इस ब्रह्मांड से आती हुई ऊर्जा को महसूस कीजिए अपने चारों ओर, आपके देवी देवताओं से आ रही है ऊर्जा, एंजल आर्कएंजल से आ रही है ऊर्जा। पूरा ब्रह्मांड आज आपकी हेल्प के लिए ये दिव्य ऊर्जा आपको दे रहा है सिंबल्स के साथ साथ, और उस फोल्डर की ओर बढ़ रहा है जो आपके हाथों में है। वो सारे छोटे छोटे मूवमेंट्स उस फोल्डर को हील कीजिए, वापस से रिक्रिएट कीजिए उन मोमेंट्स को। ये दिव्य ऊर्जा आपके रिलेशनशिप को कंपैशन से भर रही है। वो सारे मोमेंट्स को कंपैशन से भर रही है, जहां जहां आपकी लोअर कॉन्शियसनेस हाई थी वो सब हील हो रही थी। इस पूरे फोल्डर को
सफेद ऊर्जा से भर दीजिए ये कंपैशन की रोशनी। उस इंसान का चेहरा आपके सामने फोल्डर में आ रहा है जिसे आप हील कर रही हैं। स्वयं के भीतर, स्वयं के माइंड में माफ कर दीजिए स्वयं को। वो लोअर कॉन्शियसनेस रखने के लिए अपनी सोल से क्षमा मांग लीजिए। और स्वयं से कहिए, मैं पूरी तरह से समझ चुकी हूँ। नाउ आई अंडरस्टैंड कि वो मेरी लोअर कॉन्शियसनेस थी, इसी वजह से मैंने वो सब रिएक्शन दिया। मेरे अंदर जेलस एक्टिवेट हुआ, मैं इनसिक्योर्ड हुई और मैंने उस रिलेशनशिप में उस पर्सन को दोष दिया। आज मैं स्वयं को माफ करती हूँ, उन्हें माफ करती हूँ और हमारे रिश्ते को बहुत ही प्रेम से भरती हूँ। उस पूरे कर्मा को न्यूट्रलाइज करती हूँ जो मैंने एक्सपेक्टेशन रखा। वो रिश्ता माँ के साथ है, हस्बैंड के साथ है, भाई बहन का है, कैसा भी रिश्ता हो, बच्चों से हो, बड़ों से हो, सब उस पूरे फोल्डर को हील कीजिए। और अगर आपको डील भी करना पड़े आने वाले समय में उन सिचुएशंस के साथ वापस से, तो इट्स ओके, मैं अपनी कॉन्शियसनेस को नहीं गिराऊंगी। इट्स ओके, मैं काम डाउन पीस में हूं। ये सब ड्रामा मैं विटनेस कर रही हूं। मेरी सोल केवल और केवल कंपैशनेट है और ये सब लर्निंग और एक्सपीरियंस कंपैशन के साथ एक्सेप्ट कर रही है। मैंने ये सारे ग्रजेस, गुस्सा जो भी रखा, अपनी बॉडी को तकलीफ दी, उससे भी क्षमा मांगती हूँ। अपने इमोशंस से क्षमा मांगती हूँ। अपने चक्रास को फ्री करती हूँ, रूट चक्रा को, जहां मैंने इस रिलेशनशिप से अलग होने के लिए डर पाला। उस डर की वजह से 100% नहीं दे पाई। सेक्रल चक्रा में जेलस इनसिक्योर पार्ट मेरा एक्टिव हुआ। मैंने अपना डाइजेशन खराब किया। वापस से अपनी फैमिली के लूप पैटर्न में मैं उलझी। मैं उसे पूरी तरह से हील करती हूँ। फादर माइकल, आई इनवोक यू टू कट ऑल द कॉर्ड्स ऑफ दिस लूप पैटर्न। ये जो लूप पैटर्न मैंने अपनी फैमिली से कैरी किया है ईगो का, गुस्सा का, तो सबको मैं आज आपकी फ्लेम में बर्न करती हूँ। आई कट ऑल द कॉर्ड्स
इस पर्टिकुलर फोल्डर के साथ। सारी वो इविल कॉर्ड्स को कट कीजिए, हेट्रेड की कॉर्ड्स को कट कीजिए। जितने भी चेहरे आपके सामने आ रहे हैं, मल्टीपल फोल्डर्स आपके हाथ में आ रहे हैं, जिनके साथ भी आपका रिश्ता बिगड़ा हुआ है, आपके बॉस हैं, आपके एम्प्लॉय हैं, आपके बच्चे हैं, सबको आज क्षमा कीजिए और उस फोल्डर को हील कीजिए। ये मल्टीपल फोल्डर्स आपके सामने आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, दिव्य रोशनी उन फोल्डर्स में एक एक पन्ने को हील कर रही है, एक एक शब्द जो आपके भीतर से निकला है उनके लिए, उस शब्दों को हील कर रही है, उन लाइंस को हील कर रही है, उन सब बातों को हील कर रही है जो जाने अनजाने में हमसे हुई या हमने बोला। देखिए उसे कंपैशन में ट्रांसफॉर्म होते हुए, उन रिलेशनशिप्स को कंपैशन में ट्रांसफॉर्म होता देखिए, जहां कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, केवल प्यार ही प्यार, अनकंडीशनल लव। जैसे छोटा बच्चा अनकंडीशनली अपने पेरेंट्स को प्यार करता है, अपनी फैमिली को प्यार करता है, सभी को प्यार करता है जो भी उन्हें उठा लेते हैं, एक सा प्यार, सभी में साईं दिखते हैं जैसे उन्हें, उसी प्रकार से आपको भी सभी में साईं दिख रहे हैं, आपके स्वयं के परमात्मा जिनमें भी आप मानते हैं। आज उन फोल्डर्स में उस परमात्मा को महसूस कीजिए कि वो केवल और केवल डिवाइन सोल्स हैं जो अपने कार्मिक अकाउंट्स को सेटल करने आपके साथ आई है तो वो डिवाइन। केवल धरती पर अपने अकाउंट्स को क्लियर करने आई थी, तो आज पूरी तरह से कंपैशन के साथ हील कीजिए इन फोल्डर्स को। ये पूरा फोल्डर जो आपके कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस में फीड है, आपके अनकॉन्शियस माइंड में इस ब्रेथ को जाने दीजिए। आपकी ब्रेथ आपके अनकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर रही है और इन्हीं सब के साथ जो रिलेशन किसी भी लाइफ टाइम में अनहील रह गया है, जिसकी वजह से कैरी फॉरवर्ड हुए ये गुस्से गिले, उस क्वांटम लेवल से उसको हील कर दीजिए। क्षमा मांग लीजिए जो भी स्वयं के भीतर आ रहा है, उसे हील कीजिए अपनी हायर कॉन्शियसनेस के साथ जुड़कर। केवल विटनेस कीजिए उन सभी सिचुएशंस को, मूवमेंट्स को, हर एक मूवमेंट
हील हो रहा है। आपकी सांसें बहुत स्लो डाउन हो चुकी हैं। आप पूरी तरह से उन सभी फोल्डर्स को देख पा रहे हैं। कुछ के पन्ने फटे हुए हैं, फिर भी उसे हील कीजिए। वो सारे टूटे हुए रिलेशंस जो आपकी वाणी से, आपके बोलने से खराब हुए, वो सब हील कर दीजिए। उस सोल से क्षमा याचना कर दीजिए। सोल का स्वभाव केवल प्रेम है। उसका भोजन, उसका खाना केवल प्रेम है, केवल एक्सपीरियंस है, प्रेम से लिए गए एक्सपीरियंस, प्रेम से सीखे हुए एक्सपीरियंस। लड़ाई झगड़ा सब हील कीजिए। इंटेंशन डालिए आपके भीतर, ये सारे फोल्डर्स, मल्टीपल फोल्डर्स हील हो रहे हैं, तो आपको याद है या जो याद नहीं भी है आज वो भी हील हो रहे हैं। उस रोशनी को अपनी इंटेंशन के साथ फ्लो होने दीजिए इस पूरे भीतर के ब्रह्मांड में। ये दिव्य रोशनी फ्लो हो रही है, विजडम की ये दिव्य रोशनी आपके मन को शांत कर रही है, कंपैशन से भर रही है। आपके मन से केवल ग्रैटिट्यूड निकल रहा है टुवर्ड्स ऑल द पीपल जो आपके ऑरा में है, जो आपकी फैमिली में है, आपके कनेक्टेड सोल्स हैं। आज हम पूरी तरह से उन्हें हील करेंगे। हर एक छोटे मोमेंट को आप देख सकते हैं जो बार बार रेपिटेडली आपके सामने आ रहे हैं। जिनका चेहरा बार बार आपके सामने आ रहा है, हील कीजिए उन्हें अपने भीतर से। उनकी मेमोरीज को हील कीजिए, वो अच्छी है या बुरी है। अपने आप को तैयार कीजिए हीलिंग के साथ साथ डीलिंग के लिए भी। स्वयं को भीतर देखिए,
अपने हृदय चक्र में स्वयं की छवि को देखिए। स्वयं से पूछिए, क्या आप तैयार हैं? स्वयं को पूरी तरह से फ्री करने के लिए क्या अभी भी उन सब बातों को पकड़ कर बैठना है? ये स्वयं से सवाल कीजिए। स्वयं की छवि को देखते हुए जो भी जवाब आ रहा है उसे एक्सेप्ट कीजिए। अगर वो और टाइम मांग रहा है तो उसे हील कीजिए। अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो उसका धन्यवाद कीजिए। स्वयं को धन्यवाद कीजिए। स्वयं को हील कीजिए और स्वयं की हायर कॉन्शियसनेस के साथ पूरी तरह से कनेक्टेड रहिए। अगर वो अभी भी एक्सेप्टेंस में नहीं है तो अभी भी लोअर कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं एक्टिवेटेड है। आज उसे पूरी तरह से हील कीजिए। फादर माइकल को कहिए वो कॉर्ड्स को कट कीजिए लोअर कॉन्शियसनेस की। अब आपके हृदय से वो कंपैशन की ऊर्जा बह रही है। हृदय चक्र ओपन हो चुका है। भीतर से निकलती हुई ऊर्जा वो सभी रिलेशनशिप्स में जा रही है। दिव्य ऊर्जा के साथ पूरी तरह से कंपैशन की रोशनी से भर चुकी है। सभी का धन्यवाद कीजिए आपकी जिंदगी में आपको मोमेंट्स देने का, अच्छे बुरे छोटे बड़े। सभी एक बार वापस से जो आपने कंप्लेंट्स की है उनको, एक्सपेक्टेशन रखी है उनसे, उनसे माफी, उन्हें फ्रीडम। फादर माइकल कट द कॉर्ड्स एंड गिव देम फ्रीडम एंड आई फ्री माइसेल्फ फ्रॉम ऑल ऑफ From all the expectations, I free myself. Now I give justice to all my relationships. हर मोमेंट को जब जिसके साथ होंगी उसे 100% दूंगी। उसी मोमेंट में रहकर धन्यवाद सभी कनेक्टेड सोल्स का, दिव्य ऊर्जा का,
कंपैशन की लाइट को, इस विजडम की लाइट का, इस ब्रह्मांड का जो मेरे भीतर बसता है, डिवाइन जो मेरे भीतर है और वो ही सबके भीतर है, उनको नमन। धीरे धीरे वो सारी फोल्डर्स फाइल्स को क्लोज कर दीजिए। कंपैशन के साथ हैंड ओवर कर दीजिए अपने ही साई को, जिनमें आप मानते हैं। हम अपनी सोल की ग्रोथ के लिए साई ये सारी फोल्डर्स आपको दे रहे हैं। हम अपनी उंगली, अपना हाथ आपको दे रहे हैं। आपके जैसे हम भी कंपैशनेट हो रहे हैं सभी के साथ। हमें वो शक्ति, हमें वो पावर, हमारे भीतर वो सुपर जीन्स एक्टिवेट कीजिए। धन्यवाद साईं। कुछ पल साईं के साथ बिताइए या जिन भी देवी देवता में आप मानते हैं उनके साथ। I hand over my life, me, myself to you, my all relationships to you. धन्यवाद। धीरे धीरे साई का धन्यवाद कीजिए। ऑन द काउंट ऑफ 1, 2, 3 धीरे धीरे अपनी कॉन्शियसनेस में वापस आइए। 1 स्लोली मूव योर टोज एंड हैंड्स। 2 ब्रिंग योर अवेयरनेस टू योर बॉडी। Bring your awareness to your eyes. 3 bring your awareness to the present moment. Thank you. Thank you. Thank you. सभी connected souls का thank you. आप सबका thank you. Slowly come back